हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को मैंने ओपन कर रखा है और हमारी व्यूअर है अर्चना, इन्हीं का एक और सवाल कि सर रैंडमली नंबर हम एक्सेल में तो बड़ी ही आसानी के साथ जनरेट कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अलग अलग नंबर कैसे आएंगे इसके बारे में डिटेल में ये जानना चाहती हैं। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो क्रिएट किया है, लेकिन और भी ज्यादा डिटेल में ये वीडियो है तो ध्यान से देखिए, शायद आप सबके काम ये आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां से व्यू पे जाना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से काफी फेमिलियर होंगे ही आप। तो यहां पे देख सकते हैं ये प्राइमरी की है, इसे हमने प्राइमरी की बनाया है, ठीक है। और यहां पर ऑटो नंबर रखा है, आप चाहे तो नंबर भी रख सकते हैं, इसको आप नंबर भी बना सकते हैं, फिलहाल ऑटो नंबर ही रखा है मैंने। तो अब ये ऑटो नंबर रखा है तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबर ये जनरेट कर रहा है। इसके लिए हम एक क्वेरी चलते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम इसके लिए एक क्वेरी बनाएंगे और वो क्वेरी कैसे बनाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहां से जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर। तो ये आ गए क्वेरी डिजाइन पर, यहां पर शो टेबल आपको दिखाई पड़ जाएगा, यहां से ऐड पे कर दीजिए क्लिक और यहां पर इन सारे डेटा को, ये आईडी और ये नेम, ये जो टाइटल है, इसे लेकर यहां आ जाता हूं। अब यहां पर हमें क्या करना है, आईडी को लेकर के हम चाहते हैं हमारे हिसाब से ये सारी चीजें जनरेट होकर और रैंडमली आए, ठीक है। हमारे हिसाब से ना आए, रैंडमली आए, जैसे कि 1 2 3 तो नॉर्मली आ रहा है तो ये तो सीक्वेंस में आ रहा है, लेकिन रैंडमली कैसे आएगा, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करना होगा आरएनडी, ठीक है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। और यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा चलना है ये बिल्डर पर, यहां से आ जाइए बिल्डर पर, या आ गए हम बिल्डर पे, और यहां से आपको आना है कहां पे, टेबल पे। तो ये टेबल पे आ जाइए और टेबल आपका टेबल वन के नाम से है, देखिए यहां पर टेबल वन दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये टेबल वन हमें ले लेना है, तो ये ले लिया हमने टेबल वन, ठीक है। और टेबल वन में हमें क्या लेना है, आईडी लेनी है, तो ये आईडी ले लेते हैं, ठीक है। और अब इस ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, तो अभी ये रैंडमली हमें नंबर जनरेट करके देगा। बहुत ही आसान तरीका है, इजिली ये आप कर सकते हैं। तो यहां से ओके प्रेस कीजिए और ओके प्रेस करने के बाद अब यहां से जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहां पर रैंडम नंबर जनरेट होकर आ रहे हैं। अब ये देखिए ये 5.35 करके है, फिर यहां 0.59 है। अगर मैं आगे भी कोई नाम लिख देता हूं यहां पे, जैसे सपोज कीजिए मैं लिख देता हूं यहां पे राम, आर एम, तो यहां पे देखिए अलग से एक नंबर अपने आप जनरेट होकर आ रहा है, ठीक है। फिर यहां पर आता हूं, यहां पे लिखता हूं सीता, तो यहां पर अलग से एक नंबर जनरेट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से, और ये नंबर चेंज भी तो होते जा रहे हैं, जैसे ऊपर पहले आप देखिए यहां पे 0.94 है, ठीक है। यहां पर जैसे ही मैं आया और यहां पे एक और नाम लिखता हूं सूरज, ठीक है, ये नाम लिख दिया हमने, आप देखिए यहां पे 0.94 है और जैसे यहां पे क्लिक किया तो यहां पे ये 0.90 हो गया। तो ये रैंडमली जैसे एक्सेल में चेंज होता है वैसे ही ये चेंज हो भी रहा है। इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि यहां पर जो क्वेरी हमने लगाई है इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करके देखते हैं क्या इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यहां पे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए ये नंबर तो रैंडमली ही है, रैंडमली ही जनरेट हुए हैं और सब अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इफेक्ट देख सकते हैं किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अगर हम इसमें से -1 कर देते हैं तो क्या होगा, तो यहां पर आकर के यहां से मैं कर देता हूं -1 और फिर आप देख पाएंगे कि ये किस तरीके से जनरेट होकर आया हुआ है। इसमें ASCII कोड भी आ गया है, ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपका प्रॉब्लम जरूर दूर हो जाएगा अर्चना जी, और वीडियो पसंद आए तो इसे आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।